Hello, welcome to my channel Sanam Beauty Care. Today I'm going to create healthy wedding guest makeup look. Makeup बहुत simple और glowy है, तो चलिए इसे start करते हैं. मैं apply कर रही हूँ निव्या का soft moisturizer to moisturize my face. Face को अच्छे से moisturize करने के बाद मैं use कर रही हूँ sugar का primer. Foundation को apply करने से पहले primer लगाना बहुत ज़रूरी है. इससे आपके ओपन पोर्स फिल हो जाते हैं, जिससे फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनता है. मैं अप्लाई कर रही हूँ ये शुगर की फाउंडेशन स्टिक. फाउंडेशन को मैं कुछ इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी, देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. फाउंडेशन को नेक पे भी अप्लाई कर लेंगे. ब्यूटी ब्लेंडर को हमेशा गीला करके ही इस्तेमाल करें. कंसीलर मैं स्विस ब्यूटी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैं कुछ इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी. कंसीलर अप्लाई करने के बाद इसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. आपका मेकअप जितना अच्छे से ब्लेंड होगा वो उतना ही फ्लॉलेस दिखेगा, तो मेकअप को अच्छे से ब्लेंड करें. आई शेडो पैलेट में से ब्लैक और ब्राउन कलर को मिक्स करके मैं अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी. आईब्रो को फिल करते टाइम आप हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, आपकी आईब्रो पेंसिल या आईब्रो पाउडर का कलर जेड ब्लैक ना हो. मैं डार्क ब्राउन कलर को अपनी आंखों के नीचे आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ. आईब्रो को अच्छे से सेट कर लेंगे, देन मैं यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज कलर की लिपस्टिक, जिसे मैं अच्छे से आउटलाइन करके अप्लाई कर लूँगी. फिर मैंने लगाई है छोटी सी ब्लैक बिंदी. और ब्लश के लिए मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का ब्लश पैलेट, जिसके अंदर हाइलाइटर भी मिलता है, कॉन्टोर भी मिलता है. और ब्लश के लिए भी तीन ऑप्शन होते हैं, पीच, लाइट पिंक एंड डार्क पिंक. ब्लश को मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. आप देख सकते हैं कि इसका ब्लश कितना ही प्यारा है. आईज़ की वाटर लाइन पर मैंने स्विस ब्यूटी का वाइट काजल अप्लाई किया है. अगर आप इसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ आप चेक कर सकते हैं. हाइलाइटर के लिए मैंने स्विस ब्यूटी का ये पैलेट यूज़ किया है. हाइलाइटर भी इसका बहुत ही अच्छा है. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.